तो दोस्तों मेरे क्लॉब्जी क्रीम के वीडियो पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लॉब्जी क्रीम यूज़ करने के बाद में जो है हमारा फेस ख़राब हो चुका है या फिर उसके ऊपर साइड इफेक्ट हो गया है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो जल गई है। इसके अलावा दोस्तों वो लोग जो स्किन लाइट या फिर पेंड्रम प्लस यूज़ कर करके जिनकी स्किन ख़राब हो गई है और वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉयडल क्रीम्स को अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ और आज मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन से है, लेकिन ये जो है ये ट्रीटमेंट बिल्कुल 100% वर्क करता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर से आप लोगों की भी स्किन जो है वो ख़राब हो गई है पेंड्रम प्लस या फिर कोई भी स्टेरॉयडल क्रीम लगाकर या फिर साइड इफेक्ट्स की वजह से, तो वो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ डीआर सारून रशीद सैयद और स्वागत है आपका फार्मास्यूटिकल गुरुजी में। तो दोस्तों मेरे वीडियो को एंड तक कर देख लेना और दोस्तों अगर से आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कर देना और दोस्तों अगर से आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसे कि अक्सर क्या होता है कि हम जब पेंड्रम प्लस या फिर स्किन लाइट को लगाना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं ना, तो स्टार्टिंग के डेज में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे फेस के ऊपर से पिंपल्स वगैरह चले जाती है या फिर हमारे स्किन के ऊपर जो दाग रहते हैं काले वाले वो चले जाते हैं, हमारी स्किन जो है गोरी होने लगती है, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं उसको कंटिन्यू बेसिस पर जो है यूज़ करते जाते हैं, एक महीना दो महीना, इसके बाद में हमको ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा स्किन अच्छी हो गई है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उसको एकदम यूज़ करना स्टॉप कर देते हैं। तो इसके वजह से ये जो है ये सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है साइड इफेक्ट होने का, क्योंकि क्या होता है जो भी क्रीम के अंदर स्टेरॉयड है या फिर जो भी क्रीम के अंदर ड्रग्स वगैरह रहते हैं तो उसकी ना क्या स्किन को हमारे आदत हो जाती है एक तरह से, तो जैसे ही हम वहाँ पर रोक देते हैं वो क्रीम को आगे यूज़ करना तो हमारी स्किन वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर इतनी ज़्यादा ख़राब होती जाती है कि जैसे पहले हम जो भी काले थे या फिर जैसा भी कलर था तो उससे भी ज़्यादा जो हमारी स्किन डार्क होती है, हमारी स्किन डैमेज होने लग जाती है। इसके अलावा जब हम सन रेज़ के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो यूवी रेज़ की वजह से भी हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर नहीं का सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न है ये क्रीम का साइड इफेक्ट होने का। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं अगर हमारी स्किन के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग डॉक्टर के पास ना जाते हुए मेडिकल वाले के पास में सीधा जाते हैं, उसको बोलते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी दोस्त रहता है उसको बताते हैं तो क्या बोलता है कि हाँ भाई हमारा, वो भी थर्ड पर्सन की जो एग्जाम्पल देके ये बोलता है कि मेरे दोस्त ने ये क्रीम यूज़ किया था, स्किन लाइट यूज़ किया था या फिर स्किन क्लियर यूज़ किया था या फिर जो भी हो पेंड्रम प्लस बेटनोइड से यूज़ किया था जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम अच्छी हो गई है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भाई उसको बाद में साइड इफेक्ट होने वाला है या फिर जो भी है। तो उसकी बात सुनकर आप लोग क्या करते हैं कि वो क्रीम को यूज़ करना शुरू कर देते हैं और यूज़ करने के बाद में आप लोगों को भी वही प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी जो है कमेंट मेरे क्लॉब्जी क्रीम के वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों ने किए हैं जिनको जो है साइड इफेक्ट हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता देता हूँ कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसा करना है अगर से आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है स्किन लाइट लगाकर पेंड्रम प्लस क्लॉब्जी जो भी स्टेरॉयडल क्रीम उसको लगाकर। तो यहाँ पर हम होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, हमें जो है सबसे पहले टॉपिकली यूज़ करना है हमारी स्किन के ऊपर से लगाकर। तो हमें यहाँ पर दो मेडिसिन यूज़ करना है, पहली वाली जिसकी पिक अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी जिसका नाम है बारबेरिस एक्यूफोलियम और ये हमें मदर टिंचर में यूज़ करना है। इसके बाद में जो हमें सेकंड मेडिसिन यूज़ करना है उसका नाम है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस, ये भी हमें मदर टिंचर में यूज़ करना है। अब हमें इसे यूज़ किस तरीके से करना है, एक पहले हमें एक बॉल लेना है उसके अंदर हमें 15 बूंद बारबेरिस एक्यूफोलियम के लेना है और उसके साथ में ही 15 बूंद जो है हमें कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस के लेना है, इसके साथ में हमें 15 बूंद जो है हमें गुलाब जल के उसके अंदर डालना है और इस तरीके से हमें एक मिक्सचर बना लेना है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। तो जो बारबेरिस एक्यूफोलियम है इसका नाम मैक्सिमम लोगों ने सुने होंगे और मैक्सिमम लोगों को पता भी है इसके बारे में, तो इसके वजह से क्या होता है हमारे स्किन के ऊपर जो भी पिगमेंटेशन होता है या फिर जो भी कालापन आया है एस्टेरॉयडल क्रीम की यूज़ करने की वजह से या फिर स्किन लाइट यूज़ करने की वजह से, तो उसके वजह से क्या होता है हमारा जो कालापन है वो निकल जाता है। इसके अलावा जो हमारे सेल्स है वो डबल से रीग्रोथ होते हैं, उसकी नई ग्रोथ होती है और जो नए सेल्स बनते हैं तो वो अच्छे तरीके से बनते हैं वहाँ पर और जो है हमारी स्किन और ज़्यादा चमकदार बनती है। इसके बाद में जो दूसरा वाला हमारा यहाँ पर मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं कैलेंडुला, तो कैलेंडुला क्या करता है हमारी स्किन को हीलिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो हमारी स्किन सनरेज में जाने की वजह से डैमेज हुई है। जब हम स्किन लाइट लगाते हैं ना तो मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो सनरेज के कॉन्टेक्ट में जाते बराबर ही उनकी स्किन जल जाती है या फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, तो वो यहाँ पर कैलेंडुला यही काम करता है। ये क्या करता है हमारी स्किन की जो है ना सेल्स को हील करता है, फास्ट उसको हील करने में मदद करता है। इसके अलावा वो हमारे सेल्स को भी रीग्रोथ करता है और नए सेल्स वहाँ पर जल्दी लाने में भी हेल्प करता है।
तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस मेडिसिन को किस तरीके से यूज़ करना है। तो जो मिक्सचर हमने हमारे बॉल में बनाकर रखा था, तो हमें क्या करना है, दिन में कम से कम 3 बार, मतलब हम लोग जब सुबह उठते हैं मॉर्निंग में और पूरे अच्छे तरीके से पूरे फेस और नेक पर लगाने के बाद में इसे सुबह फेस वॉश करने के बाद में हमें इसे अच्छी तरीके से दोपहर तक कर रहने देना है। उसके बाद में एक बार और फेस वॉश करने के बाद में हमें क्या करना है, फिर से ही लगाना है। ऐसा दिन में दो या तीन बार करना है। उसके बाद में जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तब भी फेस वॉश करने के बाद में हमें ओवरनाइट ये पूरा फेस पर हमारे लगाकर इसे रख देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, लगभग 10 या 12 दिन में आपका जो कालापन है या फिर जो हमारे फेस के ऊपर जो भी जलन वगैरह होती है तो वो जलन होना बंद हो जाएंगी। इसके साथ में क्या होगा, जो हमारी स्किन जो है वो आपको खुद को महसूस होगा कि वो थोड़ी हील हो गई है, कालापन दूर हो रहा है। और जब आप इस मेडिसिन को लगभग 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे तो तब आपको जो है अच्छा खासा इससे फ़र्क पता चलेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी जलन की या फिर जो डार्क सर्कल्स आ गए थे या फिर जो डार्क स्पॉट्स आ गए थे वो भी दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको इस चीज़ में थोड़ा सा जो है सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम गड़बड़ यहाँ पर नहीं होंगी, हमें आराम आराम से जो इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है तो हमें धीरे धीरे इसका जो है असर मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप इस ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो टाइम पर आपको किसी भी अदर क्रीम को यूज़ नहीं करना है, आपको कोई भी क्रीम यूज़ करना नहीं है। हर तरह की जो भी क्रीम आप यूज़ कर रहे थे उसे बंद कर देना है। तो ऐसा आप इसे 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे तो उसके बाद में आपको जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके साथ में आपको क्या करना है, कुछ मेडिसिन को जो है ओरली जो है खाना भी है। लाइकोपेन की कोई भी जो टैबलेट आती है ना, जैसे जिसके अंदर लाइकोपेन कंटेंट हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लाइकोपेन के बारे में और जानना है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जाकर वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो लाइकोपेन की एक टैबलेट जो है आप रोज़ लीजिए, 1 या 2 टैबलेट रोज़ ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइकोपेन के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन और जल्दी हील होने में हमारी हेल्प होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस कोई ट्रीटमेंट को कंप्लीट कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, मैंने खुद ने भी देखा है और दोस्तों आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर से आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो 1 लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर से आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और दोस्तों अगर से आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होंगी तो नीचे मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करके लिए जय हिंद।